गाइस वेलकम टू माय चैनल गाइस। यार अगर आपका बजट जो है यार लगभग 30,000 रुपीज के आसपास और आप उसमें एक अच्छा स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं तो यार आज हम डिटेल कंपेरिजन करने वाले हैं रियलमी 12 प्रो प्लस 5G और रेडमी नोट 13 प्रो प्लस 5G का। दोनों यहां पर लगभग मिड रेंज के फ्लैगशिप स्मार्टफोन है, दोनों के बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ। तो चैनल पर बाय बाय और चैनल को उधर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यार सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बिल्ड और डिजाइन की। तो रियलमी 12 प्रो प्लस 5G में आपको वीगन लेदर का ऑप्शन देखने को मिलता है। 196 ग्राम वेट है, प्लास्टिक का फ्रेम है, ब्लू और व्हाइट और रेड तीन कलर ऑप्शन मिलते हैं। वही रेडमी नोट 13 प्रो प्लस 5G की बात करें, ग्लास बैक और वीगन लेदर का ऑप्शन मिल जाता है। 204 ग्राम वेट है, प्लास्टिक का फ्रेम है, व्हाइट, ब्लैक, ग्रे तीन कलर ऑप्शन मिलते हैं। वही डिस्प्ले की बात करें, रियलमी 12 प्रो प्लस में आपको 6.7 इंच की फुल HD प्लस वाली 10 बिट की ये कर्व्ड OLED पैनल मिलता है। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 240 हर्ट्ज का टास्क सैम्पलिंग रेट है, 950 निट्स की पीक ब्राइटनेस है, 2160 हर्ट्ज की PWM डिमिंग है, TUV रीन लेड सर्टिफिकेशन भी डिस्प्ले में मिला हुआ है, ड्रैगन टेल ग्लास की प्रोटेक्शन है, HDR 10 प्लस का सपोर्ट, 93% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो और 24:1080p का रेजोल्यूशन देखने को मिल जाता है। वहीं बात करते हैं Redmi Note 13 Pro Plus 5G की। 6.67 इंच की 1.5K वाली है, 12 बिट की कर्व्ड AMOLED पैनल मिल जाता है। 1.5K यहां पर लगभग फुल HD से ऊपर होता है, 12 बिट में लगभग 68 बिलियन कलर्स मिल जाते हैं। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, 360 हर्ट्ज का टास्क सैम्पलिंग रेट है, HDR 10 प्लस का सपोर्ट, Dolby Vision का सपोर्ट, Gorilla Glass Victus का सपोर्ट मिलता है और TUV रीन लेड सर्टिफिकेशन भी है, 1920 हर्ट्ज की PWM डिमिंग है और 1800 निट्स की पीक ब्राइटनेस है, 27:1280 पिक्सल रेजोल्यूशन देखने को मिलता है। तो डेफिनेटली यहां पर Redmi की डिस्प्ले थोड़ी सी बेटर है। वही परफॉर्मेंस की बात करें, Realme 12 Pro Plus में Snapdragon 7S Gen 2 मिलता है, 4NA पर बेस्ड, 2.4 GHz की क्लॉक स्पीड है, Adreno 710 GPU है। और Redmi Note 13 Pro Plus की बात करें, ये Dimensity 7200 Ultra 4NA के चिपसेट के साथ आता है, 2.8 GHz की क्लॉक स्पीड है, Mali-K G16 MC4 GPU है। वही RAM स्टोरेज की बात करें, Realme 12 Pro Plus 5G की बात करें, 8GB 128GB 8GB 256GB 12GB RAM 256GB स्टोरेज मिलता है, LPDDR4X की RAM, UFS 3.1 की स्टोरेज और दो SIM स्लॉट है तो SD कार्ड नहीं लगा पाओगे। वहीं Redmi Note 13 Pro Plus 5G की बात करें, 8GB 256GB 12GB RAM 256GB और 12GB RAM 512GB स्टोरेज के साथ फोन मिलता है, LPDDR5 की RAM है, UFS 3.1 स्टोरेज और यहां पर भी दो SIM स्लॉट है तो SD कार्ड नहीं लगा पाओगे। वहीं कैमरे की बात करें, Realme 12 Pro Plus 5G में यहां पर 50 मेगापिक्सल का OIS वाला मेन सेंसर देखने को मिलता है, IMX890 और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, 64 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप सेंसर मिलता है जिसमें आपको 120x का सुपर जूम मिल जाता है और 32MP का फ्रंट कैमरा है जिसमें IMX615 वाला सेंसर है, रियर में 4K 30fps, फ्रंट से 1080p 30fps और यहां पर अल्ट्रा वाइड से भी 1080p 30fps निकाल पाओगे। भाई Redmi Note 13 Pro Plus 5G की बात करें, यहां पर मेन सेंसर 200 मेगापिक्सल का है, OIS के साथ आता है, HP3 सैमसंग का आइसोसेल सेंसर है, 8MP का यहां पर अल्ट्रा वाइड, 2 का मैक्रो और 16 का यहां पर फ्रंट कैमरा मिलता है, रियर से 4K 30fps, फ्रंट से 1080p 60fps और अल्ट्रा वाइड से 1080p 30fps निकाल पाओगे। अगर हम कैमरे की बात करें तो डेफिनेटली Realme में आपको कुछ एक्स्ट्रा एडवांटेज देखने को मिल जाता है। भाई बैटरी की बात करें, Realme 12 Pro Plus 5G में 5000mAh की बैटरी 67W का चार्जर मिल जाता है। वहीं Redmi Note 13 Pro Plus 5G की बात करें, यहां पर 5000mAh की बैटरी और 120W का चार्जर आपको देखने को मिलता है, तो डेफिनेटली यहां पर चार्जिंग जो फैसिलिटी है वो आपको Redmi में ज्यादा बेटर मिलती है। वहीं ऑडियो की बात करें, Realme 12 Pro Plus 5G में आपको डुअल स्पीकर का सपोर्ट, Dolby Atmos का सपोर्ट, कोई भी 3.5mm जैक नहीं मिलता, हाईरेस का सपोर्ट है और डुअल माइक्रोफोन मिलता है। वहीं Redmi Note 13 Pro Plus 5G की बात करें, डुअल स्पीकर का सपोर्ट, Dolby Atmos, डुअल माइक्रोफोन और कोई भी 3.5mm जैक यहां पर भी नहीं मिलता। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, Realme 12 Pro Plus 5G यहां पर आउट ऑफ द बॉक्स Android 14 के साथ मिलती है, Realme की UI 5.0 जो कि लेटेस्ट है और 2 साल के Android 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट। वहीं Redmi Note 13 Pro Plus 5G की बात करें तो ये आउट ऑफ द बॉक्स Android 13 के साथ ही मिलेगा, MIUI 14 मिलेगी, 3 साल के मेजर Android अपडेट और 4 साल के मेजर सिक्योरिटी अपडेट मिलेंगे, तो दोनों ही यहां पर लगभग Android 16 तक जाएंगे। वहीं कनेक्टिविटी की बात करें, Realme 12 Pro Plus 5G में डुअल 5G का सपोर्ट, 9 5G के बैंड, ब्लूटूथ का 5.2 वर्जन मिलता है, Wi-Fi 6 और डुअल बैंड Wi-Fi है। वहीं Redmi Note 13 Pro Plus 5G की बात करें, डुअल 5G का सपोर्ट, Wi-Fi 6, डुअल बैंड Wi-Fi, NFC और 12 बैंड्स का सपोर्ट मिलता है और ब्लूटूथ का यहां पर 5.3 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वहीं बात करते हैं एक्स्ट्रा फीचर्स की, तो Realme 12 Pro Plus 5G में सभी प्रकार के सेंसर, GPS, वर्चुअल रैम, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, फेस अनलॉक, IP65 की रेटिंग मिलती है। वहीं Redmi Note 13 Pro Plus 5G की बात करें, सभी प्रकार के सेंसर, GPS, वर्चुअल रैम, IP68 की रेटिंग भी है, IR ब्लास्टर भी है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर और फेस अनलॉक भी मिल जाता है। वहीं प्राइस की बात करें तो Realme 12 Pro Plus की यहां पर जो प्राइस रखी गई है वो 30,000 रुपए, 8GB रैम, 128GB स्टोरेज और अगर हम इसके 256GB वर्जन की बात करें जो कि आता है लगभग 32,000 रुपए में और दोनों पे ही आपको जो है वो 2,000 का कार्ड डिस्काउंट है तो आपको लगभग जो है वो 28,000 में 128GB और 256GB लगभग 30,000 में मिल जाएगा। भाई Redmi Note 13 Pro Plus 5G की बात करें, इसका यहां
पर वेरिएंट 8GB 256GB से स्टार्ट होता है, जिसके प्राइस है 32,000 रुपए। कार्ड डिस्काउंट लगाओगे तो 30,000 में आपको देखने को मिल जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं विनर की, तो डेफिनेटली यहाँ पर विनर जो है वो रियलमी का 12 Pro Plus 5G होता है, क्योंकि अगर हम इसका जो है 128GB वाले में अगर कार्ड डिस्काउंट लगाते हैं तो 28,000 में पड़ जाता है। तो इसमें आपको पेरिस्कोप सेंसर मिलता है जिसमें 120x सुपर जूम मिलता है, तो डेफिनेटली रियलमी 12 Pro Plus 5G ही यहाँ पर बेटर है। तो यार वीडियो चलिए, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ आपसे वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। We'll be right back.